हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। गूगल की तरफ से यहाँ पे हायरिंग चल रही है फॉर 3 पोस्ट। पहला पोस्ट है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर 2 स्मार्ट होम सर्विसेज का। सेकंड आपका रहेगा सॉल्यूशन कंसल्टेंट पिक्सेल इकोसिस्टम का। थर्ड आपका रहेगा कस्टमर ऑनबोर्डिंग स्ट्रेटेजिस्ट गूगल कस्टमर सॉल्यूशन का। और यहाँ पे दोस्तों ये तीनों जॉब अपडेट में बेसिकली आपका यहाँ पे ये रिमोट जॉब एज वेल एज वर्क फ्रॉम ऑफिस का जॉब रहने वाला है। यहाँ पे हम ये तीनों जॉब अपडेट के बारे में पूरा कंप्लीटली पहले तो देख लेते हैं। पहला पोस्ट है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर 2 स्मार्ट होम सर्विसेज का। यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे अगर ऑफिस में जाके ये जॉब करना चाहते हो आप इजीली जाके कर सकते हो। बेंगलोर कर्नाटका में आपका यहाँ पे ऑफिस देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे अगर आप वर्क फ्रॉम होम से करना चाहते हो आप इजीली वर्क फ्रॉम होम से भी कर सकते हो। फिर बढ़ते हैं क्वालिफिकेशन की तरफ। क्वालिफिकेशन में मांगा गया है बैचलर्स डिग्री के स्टूडेंट्स या फिर अगर आप इक्विवेलेंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखते हो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस रहना चाहिए मिनिमम 5 ईयर्स का विद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एग्जाम्पल पाइथन सी सी प्लस प्लस जावा एंड ऑल में। उसके बाद बताया गया है कि आपके पास यहाँ पे 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए टेक्निकल लीडरशिप रोल में। उसके बाद मांगा गया है आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस रहना चाहिए स्मार्ट होम बेस्ड सर्विसेज एंड ऑल में। यहाँ पे दोस्तों बेसिकली ये वाले जॉब अपडेट में आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। पर यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बाकी जो भी 2 पोस्ट है हमारे वो सारे पोस्ट में फ्रेश स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, वो हम वीडियो के आगे में देखने वाले हैं। उसके पहले हम यहाँ पे कुछ प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन के भी बारे में देख लेते हैं। एक्सपीरियंस इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और होम ऑटोमेशन पे आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। गूगल स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ओपन सोर्स सिस्टम में भी आपका नॉलेज वगैरह रहना चाहिए एज वेल एज फेमिलियरिटी विद IoT एंड होम ऑटोमेशन पे आपका नॉलेज वगैरह मांगा गया है। अगर दोस्तों आपके पास यहाँ पे ये कुछ क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स वगैरह है तो आपको यहाँ पे ज्यादा प्रेफरेंस भी मिल जाएगा। फिर उसके बाद है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यहाँ पे आपके जो भी डेली बेसिस के रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाले हैं यहाँ पे इन्होंने डिटेल में दे दिया है। यहाँ पे इन्होंने डिटेल में बताया हुआ है पहले तो आपको यहाँ पे ऑटोमेशन सर्विसेज एंड ऑल प्रोवाइड करने रहेंगे, टेक्निकल एग्जीक्यूशन प्रोसेस एंड ऑल को देखना रहेगा। यहाँ पे आपको मल्टीपल इंजीनियरिंग टीम्स एंड ऑल के साथ वर्क करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन प्रोवाइड करना रहेगा, मल्टीपल क्रॉस फंक्शनल एरियाज एंड ऑल पे वर्क करना रहेगा। ये सारे आपके कुछ मेजर से रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाले हैं, आप यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। दोस्तों हम यहाँ पे और भी 2 पोस्ट के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं, सो आप यहाँ पे ये कुछ बेसिक डिटेल्स को चेकआउट करके अप्लाई कर सकती हो। फिर बढ़ते हैं सेकेंड पोस्ट की तरफ। सेकेंड पोस्ट है हमारा सॉल्यूशंस कंसल्टेंट पिक्सेल इकोसिस्टम। यहाँ पे आपका जॉब लोकेशन बेंगलोर कर्नाटका में ही रहने वाला है। और यहाँ पे दोस्तों क्वालिफिकेशन में मांगा गया है जो भी स्टूडेंट्स ने बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन सिस्टम या फिर इसी के रिलेवेंट टेक्निकल फील्ड में कंप्लीट किया है आप लोग एलिजिबल रहने वाले हो। उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस एंड ऑल मांगा गया है कम्युनिकेटिंग टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स टू वेरियस ऑडियंसेस। यहाँ पे कैसे वेरियस टाइप ऑफ ऑडियंसेस एंड ऑल के साथ कम्युनिकेट किया जाता है आपके पास यहाँ पे स्किल्स एंड ऑल रहना चाहिए। उसके बाद प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन में यहाँ पे बताया गया है अगर आपके पास टेक्निकल कंसल्टिंग टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का नॉलेज वगैरह भी है आपके पास यहाँ पे सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल। यहाँ पे दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल में बताया गया है आपको यहाँ पे बेसिकली वेरियस टाइप ऑफ एक्सटर्नल टीम्स, पार्टनर टेस्ट लैब्स, इंटरनल टेस्ट डेवलपमेंट टीम्स एंड ऑल के साथ इंटरफेस एंड ऑल करना रहेगा। यानी दोस्तों आपको यहाँ पे इनके साथ गुड रिलेशनशिप्स मेंटेन करना रहेगा। उसके बाद जो भी इनके प्रोडक्ट्स एंड ऑल रहते हैं, इनके जो भी प्लेटफॉर्म्स रहते हैं, आपको यहाँ पे ये सारे कुछ मेजर से रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आपको यहाँ पे डिटेल टेक्निकल नॉलेज अप्लाई करना रहेगा। उसके बाद बताया गया है कि यहाँ पे जो भी इशूज रहेंगे आपको यहाँ पे फाइंड आउट करके आपको यहाँ पे रेजोल्यूशन प्रोवाइड करना रहेगा। यहाँ पे आपको दोस्तों प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर नॉलेज रहना चाहिए। यहाँ पे जो भी गूगल ब्रांडेड हार्डवेयर प्रोडक्ट्स एंड ऑल रहते हैं, जो भी इनके इश्यूज आते हैं आपको यहाँ पे मैनेज करना रहेगा, ट्रैक करना रहेगा, रिपोर्ट्स एंड ऑल करने रहेंगे, इश्यूज एंड ऑल को फाइंड करके रेजोल्यूशन प्रोवाइड करना रहेगा। ठीक है दोस्तों, फिर बढ़ते हैं थर्ड पोस्ट की तरफ। थर्ड पोस्ट है हमारा कस्टमर ऑनबोर्डिंग स्ट्रेटेजिस्ट गूगल कस्टमर सॉल्यूशन। यहाँ पे आपका जॉब लोकेशन गुड़गांव हरियाणा इंडिया में देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है इन अ कस्टमर फेसिंग रोल। कस्टमर्स को कैसे हैंडल करना है, कस्टमर के साथ कैसे इंटरेक्शन करना है आपके पास यहाँ पे नॉलेज रहना चाहिए। उसके बाद बताया गया है कि आपके पास यहाँ पे सेल्स, मीडिया, अकाउंट मैनेजमेंट का नॉलेज वगैरह रहना चाहिए। यहाँ पे आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स भी होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन में इन्होंने वही पॉइंट्स को रिपीट किया हुआ है कि आपके पास यहाँ पे 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है टीवी और मीडिया इंडस्ट्री में। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट एंड ऑल में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद
बताया गया है आपके पास यहाँ पे गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल रहना चाहिए। अगर दोस्तों आपके पास यहाँ पे सदर्न इंडियन लैंग्वेज का भी नॉलेज है, जैसे कि कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम, अगर आप यहाँ पे स्पीक कर सकते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पे ज्यादा प्रेफरेंस मिल जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल की तरफ। यहाँ पे जो आपकी मेजर से रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाले हैं, बेसिकली आपको यहाँ पे मैनेज करना रहेगा न्यू कस्टमर के पोर्टफोलियोज एंड ऑल को। यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे डिजिटल एडवर्टाइजिंग जर्नी पे आपका मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाला है। यहाँ पे आपको डिजिटल एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल करना रहेगा, जो भी कस्टमर के गोल्स रहेंगे, जो भी कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स रहेंगे आपको यहाँ पे मैनेज करना रहेगा, आपको यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करना रहेगा। उसके बाद बताया गया है कि आपको यहाँ पे क्रॉस फंक्शनली टीम्स एंड ऑल के साथ वर्क करना रहेगा, जैसे कि सेल्स, प्रोडक्ट एंड प्रोग्राम टीम्स एंड ऑल के साथ। उसके बाद बताया गया है कि यहाँ पे आपको वेरियस टाइप ऑफ इनोवेटिव आइडियाज एंड ऑल लगाने रहेंगे, यहाँ पे कस्टमर के साथ गुड रिलेशनशिप एंड ऑल मेंटेन करने का। यहाँ पे ये सारे आपके कुछ बेसिक से रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं, ये तीनों जॉब अपडेट में आप यहाँ पे अपने क्वालिफिकेशन, अपना एक्सपीरियंस एंड यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग डिटेल्स को चेक करके इजीली अप्लाई कर सकती हो। तीनों जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन का लिंक मैंने बिलो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पे आप वर्क फ्रॉम होम से करना चाहते हो, ऑफिस से करना चाहते हो, आप जो भी साइट से करना चाहते हो, आप अपने अकॉर्डिंग लोकेशन चूज कर सकती हो। अगर आपको ये जॉब अपडेट अच्छी लगी है, वीडियो को जरूर से शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक भी जरूर से कर देना, और ऐसे ही डेली लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।